नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में केवल समास और अव्ययी भाव समास के बारे में चर्चा हमने आपसे किया था, आज हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूत्र है इसका प्रायेण रोत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष है। प्रायेण रोत्तर पद प्रधानम तत्पुरुष है, परिभाषा देखते हैं हम। इसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर का मतलब बाद वाला, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि आपका जो है पूर्व पद में द्वितीय और सप्तमी विभक्ति का लोप हो, वहाँ भी आपका तत्पुरुष समास ही होगा। चलिए देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास के बारे में। तो द्वितीय तत्पुरुष समास का एक सूत्र है द्वितीयाश्रित पतित पतित गत्या त्यस्त प्राप्ता पन्नई। तो ये आपका सूत्र है द्वितीयाश्रित तीत पतित गत्या त्यस्त प्राप्ता पन्नई। तो आप देखते हैं इसके बारे में, इसका इसको हम अलग अलग देख रहे हैं। तो श्रित मतलब आश्रित, तीत मतलब अतीत, पतीत का मतलब पतीत, गता का गत, आत्यस्त और प्राप्तपन्नई मतलब प्राप्त और आपन्न, ये आपका सूत्र से हमने इसको निकाला है। अब देखते हैं इसके अर्थ के बारे में। आश्रित का मतलब होता है सहारा, अतीत का मतलब बीत जाना, पतीत का मतलब गिर जाना, गत मतलब चला गया, आत्यस्त मतलब पार, प्राप्त मतलब मिलना, आपन्न मतलब घिरा हुआ। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम परिभाषा को। यदि किसी पद के अंत में आश्रित, अतीत, पतीत, गत, आत्यस्त, प्राप्त तथा आपन्न पद हो, वहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपका कृष्णाश्रित। तो कृष्णम आश्रित, अब देखिए कृष्ण में आपका द्वितीय जो है विभक्ति है। क्लियर। और ये आपका आश्रित शब्द जो है आपके सूत्र में था, द्वितीय तत्पुरुष समास का सूत्र था। तो इस सूत्र के बारे में आप इसको अध्ययन करिएगा, और इस सूत्र से आपको हर शब्द में जो है आपकी पकड़ होगी और आप तत्पुरुष समास के सभी विभक्तियों को पहचान सकते हैं। ठीक ना। तो द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति का इसमें समावेश होता है। क्लियर। तत्पुरुष समास में। और दूसरा है आपका दुखातीत, तो इसका होगा दुखम अतीत। अब ये देखिए, ठीक ना, दुख का बीत जाना, अग्निपतित में अग्निपतित, पतित का मतलब गिर जाना। क्लियर। और आगे है आपका स्वर्गगत, मतलब स्वर्ग को चला गया, देखिए यहाँ पे गत। क्लियर। और चंद्रास्त, चंद्रात्यस्त मतलब चंद्रम आत्यस्त, आत्यस्त का मतलब होता है पार, यानी चांद के पार। चांद के पार एक आपकी बहुत सुंदर मूवी आई थी, तो वही है यहाँ पे चांद के पार। तो चंद्रम आत्यस्त मतलब चांद के पार। क्लियर। और आगे है आपका सुख प्राप्त, इसका हो गया सुखम प्राप्त, मतलब सुख का मिल जाना। और नंबर 7 पर है आपका कष्टपन, ठीक ना, कष्टम आपन यानी दुख से, कष्ट से जो है क्या है, घिरा हुआ है। तो ये फैक्ट आपने देखा। और आगे हम चलते हैं आपको लेके तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं तृतीय तत्पुरुष समास क्या कहता है। जिसका पूर्व पद तृतीय विभक्ति हो तथा द्वितीय पद जो है क्या हो, प्रथमा में हो, उसे हम तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। सूत्र इसका है पूर्व स्त्रदिश समानार्थ कलह निपुणा मिश्रस्य लक्ष्य। पूर्व स्त्रदिश समानार्थ कलह निपुणा मिश्रस्य लक्ष्य। अब यहाँ पर पूर्व का मतलब होता है पहले, सदृश समानार्थ और कलह निपुण मिश्रस्य लक्ष्य में, अब देखते हैं सदृश तुल्य और सम में समान,
क्लियर, और कलह में आपका क्या है तो लड़ाई है। निपुणा, निपुण मतलब होता है चतुर, मतलब आप किसी काम में जो है बेहतर ढंग से उसको आप निपुणता हासिल कर लिए हैं, तो निपुणता का मतलब चतुर होंगे तो भी तो आप निपुण होंगे उस काम में। और मिश्र का मतलब होता है मिला हुआ, लक्षण मतलब होता है चिकना। तो जो है यहाँ पे मिश्र का हमने अलग निकाला तो मिश्र मिला हो गया, ये आधा सा च और लक्ष्य, तो ये हो गया स्लक्ष, ठीक ना, तो ये हो गया चिकना। चलिए अब आगे देखते हैं, फैक्ट के बारे में आते हैं। मास पूर्व, मासीन पूर्व, अभी हमने आपसे क्या कहा कि पहला पद जो होता है उत्तर पद, ठीक ना, तो वो जो है आपका क्या है तो तृतीय विभक्ति में होगा, और पूर्व जो दूसरा पद होगा वो प्रथमा में होगा, तो मासीन पूर्व, क्लियर। आचार्य निपुण, तो आचार्यन निपुण। अब आपके सूत्र के अनुसार हम लेके चल रहे हैं, ये जो सूत्र है आपका ना, इस सूत्र में आपको हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं, तो देखते हैं। आचार्य निपुण, तो आचार्यन निपुण। मातृ सदृश, तो माता के समान, ठीक ना, तो यहाँ सदृश सब देख रहे हैं ना, तो मातृ सदृश का होगा मात्रा सदृश, ठीक ना, माता के समान। गुण युक्तम, ठीक ना, तो गुणेन युक्त यानी गुण से युक्त। और आगे है आपका पितृतुल्य, ये देखिए आपका तुल्य है ना, तो पिता के समान या पिता के तुल्य है। और भ्रातृसम, तो भ्राता सम यानी भाई के समान। और आगे है आपका कुट्टन सुलक्षण, ठीक ना, तो ये जो है कुट्टनीन सुलक्षण। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, पहला पद हमेशा आपका तृतीय में होगा, क्लियर। और आपके आगे का शब्द है वाक्य कलह, वाचा कलह यानी वाणी द्वारा क्या है तो कलह है, ठीक ना, वाणी के द्वारा जो कलह। आगे है आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास, अब इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें है आपका जिस पद में पहला पद, जिस पद में पहला पद चतुर्थी में हो तथा द्वितीय पद प्रथमा में हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला पद आपका चतुर्थी में होना चाहिए और दूसरा पद जो है आपका प्रथमा में होना चाहिए। तो एक बात और, इसमें चतुर्थी में जो है बलि शब्द, हित शब्द, सुख शब्द और रक्षित शब्द यदि आ रहा है तो जान लीजिए कि वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये चारों शब्द आपके आपको आपके शब्दों में मिलेंगे। तो देखते हैं चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। अब ये क्या कह रहा है, चतुर्थी के अर्थ में के लिए, चतुर्थी के लिए जो है ये जो तत्पुरुष समास में के लिए के अर्थ में हम इसको लेके जाएंगे, क्लियर। और आगे है बलि का मतलब होता है भेंट, हित का मतलब होता है आपकी भलाई में, सुख रक्षितई का मतलब होता है सुख से रक्षा हो, क्लियर। और देखते हैं आगे रक्षा पुरुष है, तो रक्षायी पुरुष है। अब ये रक्षायी आपका क्या है तो चतुर्थी विभक्ति का जो है एक भाग है, रामायी बालकई, तो ये जो है चतुर्थी में होगा। और पुत्रम हितम, तो पुत्राय हितम, बालकाय हितम, ठीक ना, तो ये जो है आपका चतुर्थी में जा रहा है। दूसरा है तीसरा भूत बलि, तो भूतेभ्य बलि, क्लियर। युप दारू, तो युपाय दारू, तो जो है ये आपका युप दारू का मतलब होता है आपका हवन से संबंधित है, तो जो है ये युपाय दारू ये आपका हवन से संबंध होता है, इसका युप दारू का अर्थ होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है आपका पंचमी तत्पुरुष समास, सूत्र है इसका अस्तो कांतिक दूरार्थ कृक्षाणि कतेन, अस्तो कांतिक दूरार्थ कृक्षाणि कतेन।
तो देखते हैं, स्तो का मतलब होता है थोड़ा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से हमने इसको क्रॉस किया तो स्तोक हो गया, तो ये हो गया थोड़ा। उसके बाद है स्तोक का अंतिक लिखा है ना, तो का में आ लगा हुआ ना, तो अंतिक हो गया। अंतिक का मतलब होता है समीप, और दूरार्थ का मतलब होता है दूर, और कृक्षाण का मतलब होता है कृक्षा, कृक्षा मतलब होता है कष्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, जिस पद के पूर्व में स्तोक अंतिक दूर कृक्ष पद हो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। अब जैसे में देखते हैं, जैसे में है आपका इस्तुकान मुक्त, इस्तुकात मुक्त, ठीक ना, अंतिका दगात, अंतिका दागत, माफ कीजिएगा, अंतिका दागत, तो अंतिकात आगत, क्लियर। और आपका आगे है दूरादागत, तो दूरात धन आगत। तो ये जो दूरात है, इस्तोकात है, अंतिकात है, ये आपका पहला पद है जो कि आपका पंचमी विभक्ति में होगा और पंचमी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, क्लियर। और आपका आगे है कृक्षा दागत, तो कृक्षात धन आगत, समझ गए ना। और आगे है आपका एक और सूत्र है नंबर दो पर, सूत्र है आपका पंचमी भयेन, ठीक ना। तो पंचमी भयेन में भय, भीत, भी और भीति, तो ये जो है आपके शब्द जो है आपके डरने से अर्थ में है, डरने के अर्थ में है। तो एक परिभाषा देख लें हम, यदि किसी पद के अंत में भयवाची पद हो तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपका है चोर भय, तो चौरात भय हो जाएगा, क्लियर। और ब्रिक भीति, ब्रिकात भीति, ये आपका इस सियार और जो लोमड़ी होती है ना, उससे आपको डर लगता है ना, या फिर आपको चोर से डर लगता है, तो वहाँ पे जहाँ पे डर की बात हो वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो पंचमी आप लगा देंगे, पंचमी तत्पुरुष समास। सिंह भय, सिंहात भय, यशो भी, यशसह भी, मतलब प्रसिद्धि ना प्राप्त होने के डर में। चलिए अब आगे देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास, इसके बारे में देखते हैं। सूत्र है षष्ठी से, तो संबंध के अर्थ में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अब देखते हैं राजपुरुष, राज्ञ पुरुष, अब ये राज्ञ में आपका षष्ठी जो है विभक्ति है, ठीक ना, और पुरुष और आपका ये प्रथमा में जाएगा। और देवपुत्र, देवस्य पुत्र, अब जैसे आप देवस्य यहाँ पे लिखा है बालकस्य, बालकस्य देवस्य, तो ये जो है आपका बालक की तरह रूप इसमें देवस्य में चलेगा, देव का, तो अकारांत में, ठीक ना। तो देवस्य पुत्र, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रस्य पति, बालकस्य राष्ट्रस्य, ठीक ना। और आगे है आपका ब्राह्मण पुत्र, तो ब्राह्मणस्य पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, ठीक ना। और आगे है शिव मंदिर, तो शिवस्य मंदिर, अब आगे है आपका देव मंदिर, तो देवानाम मंदिर, तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास का हो गया। अब आगे देखते हैं सप्तमी में, सप्तमी क्या तत्पुरुष समास क्या कह रहा है, इसका सूत्र है सप्तमी सौंडे, सप्तमी सौंडे। अब इसमें सौंड आदि के अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, सौंड आदि के अर्थ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो देखते हैं अक्ष सौंड, अक्ष में निपुण, मतलब पांसों में निपुण होता है, ठीक ना, अक्ष मतलब पाशा होता है, सौंड का मतलब होता है चतुर या निपुण। श्राद्ध काक, श्राद्ध के समय कौवे का जो है बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है ना, तो श्राद्ध में कौवा। और आगे है कार्य कुशल, तो कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, अब सप्तमी का जो चिन्ह है मे पेपर ना, तो ही श्राद्ध में कौवा, पांसों में चतुर, कार्य में कुशल, अम्मी में आ रहा है ना, शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में जो है कुशल या प्रवीण, समझ गए ना आप। चलिए अब आगे देखते हैं अपवाद में, एक और फैक्ट है, आप देख भी देख लीजिए,
दिक संख्ये संज्ञायाम, दिशा संख्या और नाम में जो है आपको कुछ अपवाद मिल सकते हैं। इसमें कहा गया है यदि पूर्व पद दिशावाची संख्यावाची हो किंतु वह किसी नाम का हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास माना जाता है, ठीक ना। इसमें एक उदाहरण है आप एकमात्र सप्तर्षय, अब यहाँ पर सात ऋषि, ठीक ना। तो ऋषि जो है एक नाम है, ध्यान दीजिएगा, और सप्त जो है आपका एक संख्या है। तो कह के आ रहा है कि संख्यावाची हो किंतु नाम वह किसी नाम का सहारा लिया हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास मान लिया जाता है। जैसे सप्तर्षय में सप्त चते ऋषि, ठीक ना, सात ऋषि, ये आपका एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हमने इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ये आपका अपवाद में है। समझ गए ना भैया। चलिए अब आगे देखते हैं तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला आपका है नज तत्पुरुष समास। यदि ना के बाद, ध्यान से समझिएगा, यदि ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो ना को आ का आदेश हम कर देते हैं। यदि ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो ना को हम आ का आदेश कर देते हैं। जैसे है न पंडित, अब देखिए यहाँ पाक क्या है, एक व्यंजन है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ना को हम आ आदेश में लाएंगे तो अपंडित हो जाएगा। न प्राचार्य, तो ये हो जाएगा अप्राचार्य। अब पा क्या है यहाँ पर, व्यंजन है, तो यही पे कहा गया कि व्यंजन यदि ना के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ ना को हम आ आदेश में परिवर्तित कर देंगे तो वह क्या होगा, न तत्पुरुष समास या नज तत्पुरुष समास हम मान लेंगे। आगे है आपका न कुब्ज, तो अकुब्ज हो जाएगा, मतलब कुब्ज का मतलब होता है यहाँ पे कुबड़ा से है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम, आगे है आपका यदि ना के बाद स्वर आए। अब तक आपने व्यंजन को पढ़ा, अब ना के बाद स्वर आए तो ना का जो है अन आदेश हो जाता है, कैसे वो देखिए। न आगत, अब देखिए यहाँ पे आ क्या है, तो एक स्वर है, तो न आगत है, मतलब हो जाएगा अनागत है, अन का आदेश होगा तो अनागत है। अब देखिए अन हो गया ना, ठीक ना। और आगे है आपका न इति, तो ये हो गया अनिति, मतलब आपका अनिति का मतलब हो गया कि कोई काम आप गलत तरीके से करते हो, अनिति दुराचारी स्वभाव का यहाँ पे अर्थ होगा। और आगे है आपका न ईश्वर, तो अनिश्वर, ठीक ना, ईश्वर का वास ना हो। तो ये जो है आपका फैक्ट न तत्पुरुष समास का हो गया, भूलना नहीं चाहिए भैया, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको एक बात और बता दें कि तत्पुरुष समास में जो है आपके न तत्पुरुष समास, प्रादि गति तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, इसमें से आपका प्रश्न बहुत पूछता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और ये बात और बता दें कि तत्पुरुष समास में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से किया जाता है, इसी समास से। आगे है आपका प्राद या गति तत्पुरुष समास, इसका सूत्र है कुगति प्रादेय, ठीक ना। तो ये क्या कहता है कि किसी पद के पूर्व कु हो, यानी पहले पद में, ठीक ना, तथा गति संज्ञक वर्ण हो, प्र आदि उपसर्ग से युक्त हो, तो वहाँ पर जो है गति या तत्पुरुष समास मान लिया जाता है, क्लियर। जैसे आपका है प्राचार्य, तो प्राचार्य में प्र क्या है, आपका उपसर्ग है, ये देखिए, तो प्राचार्य में उपसर्ग प्र है, तो प्रगत है आचार्य, क्लियर। आपका आगे है कुपुरुष है, तो कुत्सित पुरुष है, मतलब बुरा पुरुष, दुष्ट पुरुष। और वहीं पर आपका है कुभार्या, कुभार्या, तो इसका हो गया कुत्सित भार्या, कुत्सित मतलब बुरी, भार्या मतलब पत्नी, अर्धांगिनी, बामांगी, तो बामांगी मतलब भी होता है ना आपका पत्नी, तो मतलब दुष्ट पत्नी, बुरी पत्नी, यहाँ से इसका अर्थ ये होगा, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है आपका अलुक तत्पुरुष समास, जहाँ पर सामासिक पदों की विभक्तियों का लोप नहीं होता है,
ठीक ना, जहाँ पर सामासिक पदों की विभक्तियों का लोप नहीं होता है उसे अलुक तत्पुरुष समास हम मान लेते हैं। जैसे आपका है युधिष्ठिर, अब इसका हम सामासिक विग्रह भी करते हैं तो युधि भर उसके बाद स्थिर हम लिखेंगे तो वो जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो युधिष्ठिर ही मान लिया जाएगा। आत्मनि पद है तो आत्मनि आपने पहला मान लिया और दूसरा पद पद ही रहेगा, ठीक ना, तो दोनों को एक मिलाएंगे, इसमें कोई जो है आपके इनमें कोई विभक्ति का लोप नहीं होता है। ये जो पद आपको सामने आपके आएंगे एग्जाम में उसके में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, वह आपको अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसको मान लिया जाता है। दिवंगत है, ठीक ना, और आपका आंतेवासी, तो ये सब पद जो हैं अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, इनकी विभक्तियों में कोई लोप होता ही नहीं है, ये जैसे के तैसे आए हैं वैसे ही इनका स्वरूप मान लिया जाता है, इसलिए इनको कहा गया अलुक तत्पुरुष समास। और आगे है आपका उपपद तत्पुरुष समास, जब सामासिक पद में उपपद क्रिया का प्रयोग होता हो तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास हम मान लेते हैं। तो सामासिक पद जो होता है आपका उसमें जो है उपपद क्रिया, मतलब जो आपके पीछे वाली जो क्रिया है उसमें जो क्रिया काम करेगी, सिर्फ आप ये जान लें कि जो आपका सामासिक पद है उसमें उस उपपद में उस क्रिया में उस शब्द में आपका क्रिया का प्रयोग होता है काम करने का, ठीक ना, तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपका दिया है कुंभकार, तो कुंभम करोत इति, अब देखिए करोत शब्द जो है आपका क्या है तो क्रिया है भैया, ठीक ना, उपपद तत्पुरुष समास में ये करोत जो है आपका क्रिया है, तो जब सामासिक पद में उपपद क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे आपका स्वर्णकार, सो स्वर्णम करोत इति, ठीक ना, सोना स्वर्णकार मतलब सोना बनाने वाला करने वाला, तो करोत शब्द यहाँ पे आ रहा है ना भैया, वही चीज़ है। गोदय गाम ददाति इति, तो ये जो है आपके उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। धनदय धनम ददात इति, ठीक ना, तो धनम मतलब धन से, ददात मतलब देना, ये क्रिया है, ये देखिए गाम ददात तो ये क्रिया है, ठीक ना, तो ये जो है धन देने के योग में जो है आपका क्या है तो उपपद तत्पुरुष समास मतलब क्रिया के रूप में जो है ये काम हो रहा है, देखिए ये सब क्रिया ही है, ठीक ना भैया, तो ये जो है उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो मित्र आज आपके सामने हमने तत्पुरुष समास का फैक्ट आपके सामने रखा, फिर अगले भाग में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।